ये देखिए हमें यहाँ पर क्या मिला है। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार मैं आया हूँ एक मिशन पर। मेरा मकसद है भारत के सबसे खतरनाक सांप को ढूंढना। इसे देखिए जनाब, ये बहुत बड़ा है। ये देखिए, और एक सुरक्षित जगह पर आजाद करना। ये कितनी खूबसूरती से यहाँ पर छुपा हुआ है। मेरी नजर अगर इस पर नहीं पड़ती तो हम इसके बगल से गुजर जाते और हम इसे कभी देख भी नहीं पाते। एक बात तय है कि यह मिशन चुनौतियों से भरा होगा। जंगलों का लगातार हो रहा सफाया जानवरों को इंसानी बस्तियों की तरफ रुख करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसीलिए इंसानों और जानवरों के बीच मुठभेड़ भी बढ़ने लगी है और कई मर्तबा ऐसी मुठभेड़ जानलेवा भी साबित होती है। खुशकिस्मती से आज मैं जहां जा रहा हूं वहां ऐसी कोई जानलेवा परिस्थिति तो निर्माण नहीं हुई, लेकिन इसकी आशंका को हम नकार भी नहीं सकते। एक लंबा सफर तय करने के बाद आखिर मैं उस चीकू की वाड़ी में पहुंच गया जहां काम करने वाले व्यक्ति ने रात को पानी देते वक्त एक बड़ा सांप देखने की हमें खबर दी थी। इनके मुताबिक वाड़ी के अन्य मजदूरों ने भी सांप को यहां कई मर्तबा गश्त लगाते हुए देखा है। उनसे सांप के विषय पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो एक लंबा और काफी बड़ा सांप था। इनका दावा है कि वो एक अजगर था। उन्होंने कहा कि वो एक काफ़ी बड़ा सांप था, मोटा था और किसी अजगर की तरह दिख रहा था। दरअसल वो जोर देकर ये कह रहे थे कि उन्होंने एक अजगर को ही देखा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस वक्त ठंडी का मौसम है और ठंडी के मौसम में सबसे ज़्यादा जो सांप सक्रिय होता है वो अजगर की तरह भी दिखता है, और वो है रसल स्वाइपर। इनके हाव भाव से सांप की दहशत झलक रही है और ये किसी भी हालत में उस सांप को अपने अहाते से निकालना चाहते हैं, लेकिन इतने बड़े इलाके में उस सांप को ढूंढना मेरे लिए किसी चुनौती से कम नहीं। चलिए देखते हैं उस सांप को यहाँ पर ढूंढकर एक अच्छी जगह पर आज़ाद करने का एक प्रयास करते हैं। वाड़ी में काम करने वाले शख्स की बातों से मुझे इतना अंदाजा आ गया है कि वो सांप यहाँ काफी लंबे समय से अपना डेरा जमाए बैठा है। यकीनन यहाँ पर उसे पर्याप्त शिकार और बेहतर आश्रय की कोई कमी नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर एक लकड़ियों का पूरा ढेर लगा हुआ है और हो सकता है कि वो सांप इसके अंदर भी हो। वैसे ये लकड़ियों का जो ढेर है ये इन जानवरों को छुपने के लिए एक बेहतरीन आश्रय है। यहाँ पर चूहे भी होंगे और वो सांप भी यहाँ पर बड़ी आसानी से छुप सकता है। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम यहाँ पर आए हैं इस सांप को पकड़ने के लिए। नंबर एक, ये लकड़ियाँ जो है ये जलाने के काम आती होंगी और इसीलिए यहाँ पर लोग आते होंगे उन लकड़ियों को निकालने के लिए, तो हो सकता है किसी को सांप डस ले। और नंबर दो, आप देख सकते हैं मेरे कितने पास यहाँ से एक सड़क गुजर रही है, तो अगर ये सांप इस सड़क पर निकल आया तो हो सकता है कोई गाड़ी उसे कुचल दे, क्योंकि आजकल तो लोग वाहनों को किसी हवाई जहाज़ की तरह चलाते हैं और वो नज़रअंदाज कर देते हैं सांपों को या दूसरे जानवरों को। इसलिए उस सांप को यहाँ से निकालना एक ज़रूरी बात बन चुकी है। सांप दुनिया के एकमात्र ऐसे शिकारी है जो अपने शिकार का कोई सुराग नहीं छोड़ते, और बेहद कुशल सरीसृप होने के कारण वो बिना किसी की नज़रों में आए छिपना और भागना बखूबी जानते हैं। ये देखिए हमें यहाँ पर क्या मिला है। ये एक छोटा सा इंडियन रैट स्नेक है जो हमें देखकर मुझे अचानक से यहाँ पर पत्तियों में इसके भागने की एक थोड़ी सी भनक लग गई और मैंने इसका पीछा किया। ये इस पेड़ के ऊपर चढ़ने के बारे में सोच रहा था, शायद यहाँ पर ये हमें देखकर भाग रहा था या फिर शिकार की तलाश में भाग रहा था, पता नहीं। लेकिन एक बात तय है कि यकीनन ये वो सांप नहीं है जिसकी तलाश में हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था वो बड़ा था, शायद अजगर था, लेकिन ये तो ना तो बड़ा है ना अजगर की तरह दिखता है, इसीलिए ये वो नहीं होगा। ये मुझे ख़राब कर रहा है। यहाँ पर रैट स्नेक जो है वो जहरीले नहीं होते हैं, और आपको इसके नाम से पता चल गया होगा कि ये चूहे खाना बेहद पसंद करते हैं, इसीलिए इसे रैट स्नेक कहा जाता है। कई लोग मानते हैं कि इसकी पूंछ में जहरीला कांटा होता है, लेकिन ये भी एक झूठ और मनगढ़ंत कहानी। आप देख सकते हैं मैं इसकी पूंछ को छू रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये था इंडियन रैट स्नेक। मेरे ख्याल से ये सांप हर खेत में या ऐसे बड़ी वाड़ियों में होने चाहिए, क्योंकि ये चूहों की आबादी को नियंत्रित रखते हैं, इसीलिए हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम इस सांप को आज़ाद कर देते हैं जहाँ पर ये जा रहा था वहीं पर। ये देखिए कितने खूबसूरती से ये जा रहा है।
तो ये तो अब जा चुका है अपने रास्ते पर। हम यहाँ पर जिस सांप को ढूंढने के लिए आए थे वो ये तो नहीं था, लेकिन चलिए अब उस सांप को ढूंढ लेते हैं, देखते हैं। चलिए, ये धामन तो अपना रास्ता नाप लेगा, लेकिन मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पर वो नहीं है जो हमें चाहिए। कई बार अक्सर ऐसे होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पाइप है, यहाँ पर उसे छिपने के लिए काफ़ी जगह है। तो अगर यहाँ पर वो बैठा रहा और यहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति अगर बिना देखे इसे पार कर दे तो शायद उसके ऊपर पैर पड़ जाए या फिर वो चौंक जाए और फिर दंश लग सकता है। इसीलिए यहाँ पर ऐसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ हो सकता है। कुछ भी नहीं है। इस इलाके में उस अनजान सांप को खोजना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो रात को देखा गया था। लेकिन अगर वो कोई बड़ा अजगर या वाइपर है तो शायद मैं उसे ढूंढ सकूं, क्योंकि इन बड़े सरीसृपों का एक निर्धारित इलाका होता है और वो अपने इलाके को आसानी से नहीं छोड़ते। ये इलाका काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर भी काफ़ी जगह है, यहाँ पर भी काफ़ी जगह है। चलो पहले यहाँ पर देख लेते क्या है। सांप छिपने में माहिर और छलावरण के उस्ताद होते हैं, ऐसे में मुझे अपनी सारी इंद्रियों को सतर्क रखना जरूरी है। इसे देखिए जनाब, ये कितनी खूबसूरती से यहाँ पर छुपा हुआ है। मेरी नज़र अगर इस पर नहीं पड़ती तो हम इसके बगल से गुजर जाते और हम इसे कभी देख भी नहीं पाते। एक बेहतरीन छलावरण, ये है एक इंडियन रेड स्नेक, ज़बरदस्त है। चलिए इसे मैं उस तरफ से जाकर देखने की कोशिश करता हूँ। अभी तक इस सांप ने मुझे देखा नहीं, इसलिए ओ देख लिया। यहाँ पर उसकी गर्दन उस तरफ है और मैं इसके पीछे से जा सकता हूँ। वैसे हम इसे पकड़ने नहीं वाले, क्योंकि यकीनन ये वो सांप नहीं है जिसे ढूंढने के लिए उन लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया है। बड़ा ही खूबसूरत है और कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर ये बैठा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसे देखिए, तो हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन रेड स्नेक्स अच्छे होते हैं, ये चूहों को खाते हैं और ये जहरीले नहीं होते किसी भी रूप में, इंसान के लिए ये हानिकारक नहीं होते हैं। और यहाँ पर ये आराम फरमा रहा है तो हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि ये इलाका इसका घर है। वैसे ये काफ़ी खूबसूरत है, लगभग 3 या 4 फीट का तो होगा ही। चलिए इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं। वक्त बीतने के साथ साथ मेरा हौसला जवाब देने लगा था, क्योंकि यहाँ सारी परिस्थितियाँ उस सांप के हक में है। कुछ घंटों की खोजबीन के बाद मुझे इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर संदेह होने लगा और मैं वापस जाने का मन बनाने ही वाला था कि अचानक पक्षियों की चिलचिलाहट ने एक उम्मीद जगा दी। आप ये आवाज़ सुन रहे हैं? ये पक्षी यूँ ही नहीं चिल्लाते, मेरे ख्याल से शायद वहाँ पर उन्हें कुछ दिख गया है, हो सकता है वो सांप ही हो। चलिए एक बार देख लेते हैं। पक्षी हमेशा खतरे की घंटी का काम करते हैं, यानी जब भी उन्हें कोई शिकारी जानवर दिखता है वो शोर करके सबको आगाह कर देते हैं। अगर वो सांप सचमुच में एक अजगर है तो हो सकता है वो पेड़ों के ऊपर भी चढ़ जाए, क्योंकि अजगर काफ़ी कुशल होते हैं चढ़ाई करने में। लेकिन अगर वो अजगर नहीं है तो यकीनन उसे ज़मीन पर ही होना चाहिए कहीं पर। इसे देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है एक रसल्स वाइपर। इसे देखिए जनाब, ये तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। कहाँ गया ये, दिख रहा है तो दिख रहा है? यहाँ पर देखो ध्यान से, थोड़ा सा जूम करके दिखा दो मैं इसे। ओह ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए इसे, मैं यही तो देख रहा था। ये देखिए, ये मुझे थोड़ा सा सांप वहाँ पर दिखाई दिया था, अरे यार, लेकिन मैंने यहाँ पर ये देखा ही नहीं है। इसकी पूँछ है, देखिए इसे, दिख रहा है आपको? इसे देखिए जनाब,
ये हिल रहा है, देखा आपने, ये बहुत बड़ा रसल्स वाइपर है। और ये देखिए, ये चीकू के पत्ते हैं, सूखे पत्ते, मेरे ख्याल से इसे यहाँ शायद टहनियाँ है तोड़ी हुई यहाँ पर रखी है, उसके नीचे ये बैठा था। मेरी पहली नज़र वहाँ पर गई और मुझे ये पूछ दिखी नहीं यहाँ पर। ये देखिए, मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। इसे देखिए जनाब, ये बहुत बड़ा है, ये देखिए, ये है रसल्स वाइपर, भारत का सबसे ख़तरनाक सांप। और मेरी स्टिक भी अटक गई है यहाँ पर, वो देखिए वहाँ से जाने लगा है। ये देखिए इसे, इसका ये पीला रंग और इसकी ये जो काले रंग की डिज़ाइन है, उसे देखकर जाहिर सी बात है लोग इसे अजगर समझ बैठते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो डिज़ाइन है, ये भागना चाह रहा है, लेकिन इसकी जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल अलग है अजगर के विपरीत। इसका एक पैटर्न होता है, बिल्कुल चैन नुमा आकृति। मैं इसे खुले में लाने की कोशिश करता हूँ, मैं इसे यहाँ पर बाहर निकालता हूँ। हम इसे डराना नहीं चाहते और हम इसे तकलीफ़ भी नहीं पहुंचाना चाहते, हम इसे यहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए ही तो आए हैं। और ये भाई साहब यहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैं कह रहा था कि इसके शरीर के ऊपर जो है ये चैन नुमार आकृति होती है अजगरों के विपरीत। अजगरों के शरीर के ऊपर किसी मिलिट्री की तरह पैचेस होते हैं, काले रंग का एक अजीब पैटर्न होता है। और इस वक्त मैं कोई हरकत नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी ज़रा सी भी हरकत इसे चौंका सकती है। और दूसरी बात है इसका ये त्रिकोणी आकार का सिर, ये इस सांप की पहचान है। ये हीमोटॉक्सिक जहर से लैस एक ख़तरनाक सांप है। और मुझे यकीन नहीं आ रहा है, पूरे 1.5 घंटे की खोजबीन के बाद आखिर हमें ये जनाब दिखाई दिए, वो भी इन पत्तियों के नीचे आराम फरमा रहे थे। शुक्र है उन सारे पक्षियों का कि अगर वो यहाँ पर चिल्ला के आवाज़ नहीं करते तो शायद हम इस सांप के बगल से गुजर जाते और हम इसे कभी ढूंढ नहीं पाते। ये काफ़ी शांत है, काफ़ी बड़ा है और अच्छे खासे खाते पीते इलाके से ये बिलोंग करता है। इसे यहाँ पर खाने के लिए ढेर सारे चूहे वगैरह मिलते होंगे। और रसल स्वाइपर का जो आप ये फुफकार सुन रहे हैं, ये फुफकार चेतावनी है कि अगर कोई इसके पास आए तो उसका खेल ख़त्म हो सकता है। फिलहाल तो ये काफ़ी शांत है, इसीलिए अच्छी बात है, लेकिन अगर ये गुस्से में आ जाए तो काफ़ी बुरी हालत कर सकता है उस व्यक्ति की जो इसके साथ उठपटांग हरकतें करने के बारे में सोच रहा हो या फिर कर रहा हो। हम इस सांप को यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए आए थे और मुझे खुशी है कि हमने इसे सुरक्षित तरीके से ढूंढ लिया है, पकड़ लिया है। और अब हम इसे जल्दी से जल्दी उसके नैसर्गिक परिवेश में आज़ाद कर देंगे। ये देखिए, ये इसकी खासियत है, कुंडली मारकर ये सांप इस तरह से बैठ जाते हैं। और ये जो सांप है आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरती से यहाँ पर बैठा है। छलावरण का उस्ताद इसी को कहते हैं। पता नहीं इस वक्त आप इस सांप को इतना क्लियर देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन ये बड़ा ही खूबसूरती से यहाँ पर छिपा है और उसे छिपने की मदद ये पत्तियाँ कर रही है। उसका पैटर्न भी इन पत्तियों की तरह ही है, इसलिए ये बिल्कुल ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर कुंडली मारकर छुप चुका है। ये सांप ऐसा अक्सर इसलिए करते हैं जब इन्हें खतरा महसूस होता है या जब ये देखते हैं कि कोई बड़ा परभक्षी इनका शिकार करने के लिए आया है, तो ये सांप इस तरह से कुंडली मारते हैं, ज़ोर ज़ोर से फुफकारते हैं ताकि अपने दुश्मन को चेतावनी दे सके। और इतना करने के बाद भी अगर आप इनके साथ छेड़खानी करेंगे तो आपका खेल ख़त्म हो सकता है। वैसे कमाल की बात बताऊँ तो सैकड़ों साल पहले स्कॉटलैंड के एक हर्पिटोलॉजिस्ट यानी सरीसृप विशेषज्ञ थे जिन्होंने पहली बार भारतीय सांपों का अध्ययन किया था। उनका नाम था पैट्रिक रसल्स और उन्हीं भाई साहब के नाम पर इसे नाम मिला है, रसल्स वाइपर। इसके अलावा इस सांप के मुंह में जबड़े में ऊपर की तरफ दो छेद होते हैं जिन्हें जेकबसन्स ऑर्गन कहा जाता है। दरअसल ये सांप जब अपनी दो मुहा जीभ बाहर निकालता है, देखिए इस वक्त ये अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल कर सूंघने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी जो दो मुँह ज़ुबान है उसके दोनों किनारों पर हवा में मौजूद पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। फिर ये ज़ुबान उन जेकबसन ऑर्गन के अंदर चली जाती है और उससे ये सांप अंदाज़ा लगा लेता है कि उसके सामने शिकार है या शिकारी। एक और कमाल की बात यह है कि इस वक्त आप इसके नाक और आँखों के बीच में दो छेद देख पा रहे होंगे।
दरअसल उन छेदों को पिट्स कहते हैं, और वो पिट जो है वो किसी थर्मल कैमरे की तरह काम करते हैं, जिसकी मदद से ये सांप गुप्त अंधेरे में भी गर्म खून वाले जीवों को भाप लेता है, देख लेता है। जितने भी गर्म खून वाले जानवर हैं जैसे कि मैं या फिर कोई दूसरा स्तनधारी जीव, वो उसे लाल रंग में दिखाई देगा, और जितने भी ठंडे खून वाले जानवर हैं जैसे कि खुद ये सांप या दूसरा कोई रेंगने वाला जीव, वो उसे नीले रंग में दिखाई देगा। और यही एक खूबी है जिसकी वजह से ये सांप एक बेहतरीन प्रीडेटर बन के साबित हो चुका है, और इसीलिए भारत के सबसे खतरनाक सांपों की सूची में इसका नंबर एक पर आता है। वैसे रसल स्वाइपर के मुंह में दो हाइपोडर्मिक सुई की तरह नुकीले विषदंत होते हैं जो इसके शिकार के शरीर में विष प्रवाहित करने का काम करते हैं, और ये हीमोटॉक्सिक जहर से लैस एक ख़तरनाक सांप है, और इसका जो जहर है वो हमारे ब्लड सेल्स पर काम करता है। इससे खून में थक्का जम जाता है और दिल का दौरा पड़ने से शिकार की मौत हो जाती है। अच्छी बात यह है कि रसल स्वाइपर का जहर ढेर सारी खतरनाक बीमारियों की दवा बनाने के भी काम आता है। और दूसरी बात, इस सांप को भारत में कानूनी संरक्षण दिया गया है, यानी कि इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी करना या इसे जान से मारना कानूनन अपराध है। अच्छी बात है कि इस सांप की वजह से यहाँ के लोगों पर कोई आपत्ति नहीं हुई, और दूसरी अच्छी बात यह है कि किसी भी इंसान ने इसे मारने के बजाय हमसे संपर्क किया ताकि हम इसे यहाँ से सुरक्षित एक अच्छे इलाके में ले जा सके। वो जो दो रैट स्नेक आपने देखे वो हानिकारक नहीं थे, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया, लेकिन इन भाई साहब को तो लेकर जाना ही पड़ेगा। वैसे इसे लेकर जाने से पहले मैं इस फार्म के ओनर को इसकी एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि ये वही सांप है जिसे उन्होंने देखा था। मुझे एक मोबाइल दे दो ताकि मैं इसकी फ़ोटो खींच सकूँ। ठीक है, अब ये तस्वीर मैं इस ओनर को दिखाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या ये वही सांप था। अगर हाँ तो हमारा ये मिशन कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब इसे सुरक्षित एक अच्छे इलाके में लेकर जाते हैं। कोई भी रेस्क्यू रिलीज के बगैर अधूरा होता है, इसीलिए किसी भी जंगली जानवर को उसके नैसर्गिक परिवेश में आजाद करना ही एकमात्र विकल्प है। तो ये था रसल स्वाइपर, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद हमने वहाँ से रेस्क्यू किया और अब उसके नए कुदरती परिवेश में उसे यहाँ पर आज़ाद कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये अपनी बाकी की ज़िंदगी यहाँ पर आराम से बिताएगा। वैसे जितनी भी बार इन जानवरों को जाने का नज़ारा मैं देखता हूँ, मुझे हमेशा ये नज़ारा अच्छा लगता है, क्योंकि किसी जानवर की खूबसूरती को इतने नज़दीक से देखने का बहुत ही कम लोगों को मौका मिल पाता है, और मैं उनमें से एक हूँ। और अगली बार अगर आपके भी घर में इलाके में कोई जंगली जानवर घुस जाए तो उन्हें बगैर मारे आप अपने इलाके के वन विभाग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इन जानवरों का भी इस धरती के ऊपर जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा है। खैर, इस वक्त तो हम काफ़ी खुश हैं इसकी जान बचाकर, वो किसान भी काफ़ी खुश है, और शायद यह सांप भी खुश है इस नए घर में जाकर। अपना कीमती समय देकर यह एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।